Hello students, very good morning to all of you. Now let's start with our English subject, English grammar of class 2. We have done chapter number 1. Now let's start with chapter 2, that is sentences. Our next chapter is sentences. Look at the groups of words. Hame kya karna hai? Groups of words dekhne. Number 1, the monkey. Number 2, the monkey dancing. Number 3, is dancing monkey the. Number 4, the monkey is dancing. इसमें आपको कौन सा वाला sentence correct लग रहा है? The monkey? No, this is wrong. Groups of words है, लेकिन कोई meaning नहीं है इसमें, correct? The monkey dancing. इसमें भी ये complete meaningful sentence नहीं है. Is dancing monkey the? ये arrange नहीं है properly. एक जो सीक्वेंस होता है सेंटेंस में उसमें ये अरेंज नहीं है. नंबर 4, द मंकी इज डांसिंग. यहाँ पे हमें कुछ पता चल रहा है क्या? कि मंकी डांस कर रहा है. ठीक है, तो दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस इज द पर्टिकुलर सेंटेंस व्हिच हैव अ कंप्लीट सेंस. द फर्स्ट थ्री ग्रुप्स नंबर 1, 2, 3 डू नॉट हैव कंप्लीट मीनिंग. इन तीनों सेंटेंसेस में कोई भी मीनिंग नहीं निकल रही है. द फोर्थ ग्रुप हैज कंप्लीट मीनिंग. फोर्थ ग्रुप में कंप्लीट मीनिंग शो कर रहा है. ओके, तो दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस. ये जो ये वाला जो फोर्थ नंबर वाला सेंटेंस है, ये आपका सेंटेंस एक्चुअली है, बिकॉज यहाँ पे हमें मीनिंग मिल रही है. ये कंप्लीट मीनिंग वाला ग्रुप ऑफ वर्ड है, वर्ड्स हैं. ठीक है, लेट्स डू द डेफिनेशन. A sentence is a group of words that has complete meaning. Sentence क्या है? Group of words है. ठीक है, जिसके complete meaning होती है. Okay? We always begin a sentence with a capital letter. Sentence हमेशा capital letter से start किए जाते हैं and end with a full stop. और end किससे होता है? Full stop से या फिर क्वेश्चन मार्क से. क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क से, और सेंटेंस नॉर्मल कोई बात बता रहे हैं या कह रहे हैं तो फुल स्टॉप से. ओके, नाउ लेट्स डू आवर एक्सरसाइज 1. अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू फॉर्म सेंटेंसेस. रिमेंबर टू स्टार्ट अ सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड विद अ फुल स्टॉप. स्टूडेंट्स, पहले तो हमें इसको अरेंज करना है प्रॉपरली किस फॉर्म में सेंटेंस के लिए, जिससे हमें कंप्लीट मीनिंग मिले. उसके बाद हमें स्टार्ट करना है कैपिटल लेटर से और एंड करना है स्मॉल लेटर से. निया इज नेम माय नेम इज निया, फुल स्टॉप. नंबर बी, लिव आई दिल्ली इन, आई लिव इन दिल्ली, फुल स्टॉप. सी, आई एम एट, सॉरी एम आई एट आई इयर्स ओल्ड, सो आई एम 8 इयर्स ओल्ड, फुल स्टॉप. नंबर डी, गो टू स्कूल आई गो टू स्कूल, फुल स्टॉप. नंबर ई, लाइक आई लाइक फ्लावर्स, फुल स्टॉप. एफ, हैव आई अ नाइस स्कूल बैग, आई हैव अ नाइस स्कूल बैग, फुल स्टॉप. ओके, लाइक दिस यू ऑल हैव टू कंप्लीट इट इन योर नोटबुक. ओके, एक्सरसाइज 1 आपको नोटबुक में कंप्लीट करनी है. Now exercise 2, match the columns. Students, I've done for you. You have to just learn it properly and do it in your fair copy. आपके अपनी क्लास वर्क कॉपी में इंग्लिश ग्रामर की ये वर्क कंप्लीट करोगे. We eat food. I go to school. I play football. I write with a pen. Sunday is a holiday. I live with my family. Okay? Read the conversation. Ron बोलता है, what is your name? Anya बोलती है, my name is Anya. Ron बोलता है, how old are you? Anya बोलती है, I'm 7 years old. Ron बोलता है, where do you live? Anya answer देती है, I live in Delhi. मैं दिल्ली में रहती हूँ. Exercise 3 करना है students. तो आपको कैसे करना है? Now answer these questions. आपको answer देना है इनके questions के. A, what is your name? My name is, जो भी आपका नाम है आप mention करोगे. B, how old are you? आप कितने साल के हो? I am 7 years old, full stop. या फिर I am 8 years old, 6 years old, जो भी है आपका
वो आप लिखोगे एज है, वो भी वही लिखना है आपको. सी वेयर डू यू लिव, आई लिव इन जयपुर, फुल स्टॉप. डी व्हाट इज योर मदर्स नेम, माय मदर्स नेम इज मिसेस, जो भी आपकी मम्मा का नाम वो लिखना है. ई व्हाट इज योर फादर्स नेम, माय फादर्स नेम इज मिस्टर, जो भी आपके फादर का नाम है वो यहाँ पे लिखना है. एफ डू यू हैव अ पेट, अगर आपके पेट है तो यस आई हैव अ पेट, अगर नहीं है तो नो आई डोंट हैव अ पेट. ओके नाउ हियर इज वन एक्टिविटी गिवन फॉर यूर स्टूडेंट्स. ए रीड द रीड एंड करेक्ट द सेंटेंसेस वन हैज बीन डन फॉर यू. लायंस कैन नॉट रन, इसको हमको नॉट हटा के कैन कर देना है. लायंस कैन रन जो करेक्ट है, मीन्स लायन का लायन दौड़ सकते हैं, बट यहाँ लिखा है कैन नॉट, तो हमें उसे करना है लायंस कैन रन. ओके नेक्स्ट इज पेंगुइन्स कैन नॉट फ्लाई, पेंगुइन्स फ्लाई नहीं कर सकती हैं. स्नेक्स कैन नॉट जंप, स्नेक्स जंप नहीं कर सकते हैं. पैरट्स कैन नॉट स्विम, पैरट्स तो उड़ती है ना, फ्लाई करती हैं, तो यहाँ जंप स्विम लिखा है, तो वी हैव टू राइट पैरट्स कैन नॉट स्विम. फिश कैन नॉट स्विम, ये तो गलत बात है, फिश तो स्विम करती है, तो फिश कैन स्विम. डॉग्स कैन नॉट जंप, डॉग्स तो जंप कर सकते हैं, तो डॉग्स कैन जंप. एक्सरसाइज बी द सेंटेंसेस गिवन बिलो आर टेलिंग और आस्किंग. टेलिंग और आस्किंग मीन्स, टेलिंग मीन्स कह रहा है और आस्किंग मीन्स बता रहा है, पूछ रहा है. ठीक है, टेलिंग मीन्स कहना और आस्किंग मीन्स पूछना. तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा सेंटेंस कुछ बता रहा है और कौन सा सेंटेंस पूछ रहा है, क्वेश्चन है. जेसिका वेंट टू हर ग्रैंडमदर्स हाउस यस्टरडे, यहाँ पे कुछ बताया जा रहा है, तो दिस इज टेलिंग. नंबर टू व्हाट डिड यू डू ऑन द वीकेंड, क्या करते हो वीकेंड पे, दैट विल बी क्या किया तुमने वीकेंड पे, तो दैट विल बी आस्किंग, पूछ रहा है. हाउ डिड यू गेट टू द जू, तो यहाँ पे पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा है, तो आस्किंग. I like to play with my dog. ये telling है, बता रहा है. ठीक है, तो students आपको जितने भी exercises यहाँ पे है mentioned, ये वाली exercise भी, ये वाली exercise, ये सारी exercise 1, 2, 3, 4 और activity में जो भी है you have to complete in your notebook. Okay?